नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे हम हाथ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, जहां पर पैर की इम्प्रूवमेंट अच्छी हो रही है और हाथ थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो कैसे हम कॉन्स्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी का यूज़ करके पेशेंट की हाथ की मूवमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी क्या होती है। मैं चाहता हूं कि पहले आप अपनी बीमारी यानी पैरालिसिस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करें कि आखिर में पैरालिसिस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ था। क्योंकि पेशेंट गलती क्या करता है, पेशेंट को लगता है कि उसकी दिक्कत उसके हाथ पैर में आई है, तभी उसके हाथ पैर की मूवमेंट नहीं हो पा रही, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर मैक्सिमम केसेस के अंदर देखा जाता है कि जो पैरालिसिस का जो मेन कॉज है वो उनके दिमाग में होने वाला ब्रेन क्लॉट है, ब्लड का क्लॉट है, या फिर ब्रेन के अंदर किसी टाइप की हेमरेज की वजह से यानी नस फट जाने की वजह से क्या होता है कि ब्रेन की टिश्यू को नुकसान पहुंचता है। जब ब्रेन को नुकसान पहुंचता है तो ब्रेन जो काम करता था, जो हिस्सा वो काम करता था, वो काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। रिजल्ट क्या होता है कि आपके हाथ पैर की मूवमेंट चली जाती है। यानी अगर मेरे लेफ्ट साइड के ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आता है या ब्रेन हैमरेज होता है तो राइट साइड ऑफ मेरी बॉडी का काम करना बंद कर देता है, क्योंकि लेफ्ट साइड मेरा ब्रेन मेरे राइट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी वजह से पेशेंट के हाथ पैर की ताकत चली जाती है। तो अगर हम मेडिसिन देना शुरू करते हैं, साइंस इंजीनियर ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, तो हमें एक चीज़ बहुत कॉमनली पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है कि जब हम मेडिसिन देना शुरू की थी तो मेडिसिन जब ब्रेन में जाती है, वहाँ पे डेवलपमेंट करना शुरू करती है, तो पैर में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है। पेशेंट महीने भर में भागना शुरू कर देता है, मगर उसका हाथ इस रिकवरी के अंदर पीछे रह जाता है, हाथ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाती, फिंगर नहीं चल पाती, कलाई में थोड़ी सी दिक्कत रह जाती है, कंधा थोड़ा बहुत चल जाता है, एल्बो चल जाता है, मगर उससे काम करने की ताकत उसमें नहीं आ पाती। रीज़न क्या होता है कि मेडिसिन जो हम साइंस इंजीनियरिंग से देते हैं उसने तो पूरे ब्रेन पर काम किया, उस ब्रेन के डेवलपमेंट में जो पैर है वो जल्दी ब्रेन के अंदर मेमोरी दे देता है, क्योंकि पेशेंट को चलने के लिए दोनों टांगों का यूज़ करना पड़ता है। उसको जब हम बोलते हैं कि आपने आधा घंटा सुबह एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा शाम को आपने चलना है, तो क्या होता है कि दोनों पैर के यूज होने की वजह से पेशेंट की जो ब्रेन है वो ज्यादा जल्दी उसको मेमोराइज कर लेता है, उसको जल्दी सीख लेता है, मगर हाथ की यही इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि पेशेंट को दोनों हाथ का यूज करके काम करने की रिक्वायरमेंट कम होती है। पेशेंट अपने अक्सर एक ही हाथ से सारा काम कर लेता है। मान लो मेरे लेफ्ट हैंड में कोई दिक्कत हुई है, मेरा राइट हैंड बिल्कुल सही है, तो पेशेंट क्या करता है, अपने सारे काम राइट हैंड से करना शुरू करता है, रिमोट उठाना, खाना खाना, कपड़े पहनना, सारे काम राइट हैंड से शुरू कर देगा और लेफ्ट हैंड को बस ऐसे रखेगा। तो क्या होता है कि जब इसकी मूवमेंट नहीं होती तो आपके ब्रेन के अंदर एक मेमोरी नहीं बन पाती कि इस हाथ को चलाना कैसे है। मेडिसिन तो वो खा रहा है मगर उसको वो मेमोरी नहीं दे पा रहा, रिपीटेशन नहीं कर पा रहा, तो वो रिपीटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। इसमें क्या करेंगे कि मेरा जो सही हाथ है, मेरा जो राइट हैंड है, इसको हम कर देंगे बंद, इसको हम बांध देंगे। जो आर्म स्लिंग होती है, जो फ्रैक्चर के बाद अक्सर डॉक्टर आपको बांधने के लिए दे देते हैं, तो आपने उसका यूज कर सकते हैं। आपने आर्म स्लिंग पहनी, अपना हाथ को यहाँ पर फिक्स कर दिया कि समझो कि ये हाथ आपका है ही नहीं, अब आपके सिर्फ एक ही हाथ है जिसमें भी आपको पैरालिसिस, अब आपने सारे काम इससे करने हैं। तो ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, वो सब कुछ सीख सकता है, बस उसकी इच्छा होनी चाहिए, मगर कोई भी ब्रेन होता है वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, सबसे आसान रास्ता उसको बहुत पसंद आता है क्योंकि उसमें कम से कम एनर्जी लगती है। हम भी वही करते हैं, जो सबसे छोटा आसान रास्ता होता है उसको पकड़ लेते हैं, मगर उससे इस केस के अंदर दिक्कत देखने को मिलती है कि पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होती। मगर इस पेशेंट को अगर इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं तो उसको लॉन्ग कट अपनाना होगा, उसको अपने सही हाथ की इम्प्रूवमेंट को बंद करना पड़ेगा, यानी उसको अपने राइट हैंड को या तो स्लिंग से, आर्म स्लिंग से बांध लो, किसी चीज़ से इसको इस तरह से बांध लो, या पॉकेट में डाल लो, या यहाँ पर इसको अपनी कमर के साथ टाइप कर लो और सिर्फ अपने पैरालिसिस वाले हाथ से सारे काम करने हैं, चाहे वो टीवी का रिमोट चलाना हो, खाना खाना हो, कपड़े पहनना हो, उतरना हो, चढ़ना हो। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट का जो दिमाग है उस चीज़ को सीखना शुरू करेगा कि कैसे वो अपने हाथ का बेस्ट से बेस्ट यूज़ कर सकता है। वो उसमें भी शॉर्टकट ढूंढना शुरू करेगा कि कम से कम मूवमेंट करके मैं कैसे अच्छी से अच्छी ग्रिप बना सकता हूँ। तो यही तो हम चाहते थे, यही तो हमें करना था, यही तो हम हमारा मेन मोटिव था कि अगर हम इसका एक पेशेंट का हाथ बांध देते हैं तो उसका ब्रेन उसको ऑटोमेटिक तरीके से अंडरस्टैंड करना शुरू करता है, मगर अगर उसका दूसरा हाथ चल रहा होता है तो ब्रेन हमेशा एक छोटा रास्ता अपनाता है
वो पैरालिसिस वाले हाथ को भूल कर सही वाले हाथ से सारे काम करना शुरू करता है। तो अगर आपको पैरालिसिस है, आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पैकिंग इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हो गई है, हाथ आपको लगता है कि आपका हाथ नहीं चल रहा, फिंगर्स नहीं चल रही, एल्बो नहीं चल रही, शोल्डर में मूवमेंट नहीं है आ पा रही, तो आपने किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, आपने कॉन्स्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी का यूज़ करना है, आपने अपने सही हाथ को बांध देना है और अपने पैरालिसिस वाले हाथ से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जितनी मर्जी दिक्कत हो सकता है आपका रिमोट गिरे, हो सकता है आप चीज़ों को ना पकड़ पाए, हो सकता है कि आप खाना खाते हुए आपके खाना आपके हाथ से गिरता रहे, मगर फिर भी आपने अपने पैरालिसिस वाले हाथ का ही इस्तेमाल करना है, आपने हार नहीं मानी, जितनी हो सके उससे कोशिश करो। हो सकता है आपको दर्द हो, सकता है आपको परेशानी हो, जितनी मर्जी परेशानी हो जाए, मगर आपने इस थेरेपी का यूज़ जरूर करना है। रीज़न क्या होता है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब पैरालिसिस का अटैक किसी को हुआ, ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ, जब उसने साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट शुरू किया, हमने ब्रेन को रेडी किया उसको सीखने के लिए, जब उसने सीखना शुरू किया, पैर नहीं चलना है तो दोनों पैर की मूवमेंट से उसके अंदर मेमोरी जल्दी बन जाती है, जल्दी वो सीख जाता है कि पैर को कैसे चलाना है। मगर हाथ की मूवमेंट आती है तो दिक्कत सबसे बड़ी यही कि उसके पास ऑप्शन होता है, पैर के अंदर ऑप्शन नहीं होता कि वो लंगड़ी करके चलेगा, ऑप्शन नहीं है ना, चलने के लिए दोनों पैर का यूज होता है, मगर हाथ के अंदर उसके पास ऑप्शन आ जाता है और ब्रेन उसमें शॉर्टकट ढूंढ लेता है और आपकी मूवमेंट रह जाती है। तो अब उस शॉर्टकट को बंद करना है, लॉन्ग कट की तरफ जाना है, अपने सही हाथ को लॉक कर आपने पैरालिसिस वाले हाथ से काम करने की कोशिश करनी है। बहुत दिक्कत होगी, अनगिनत दिक्कतें आएंगी, आपसे फ़ोन तक नहीं उठेगा, फ़ोन भी नहीं चलेगा, आपका रिमोट भी नहीं उठेगा टीवी का, उसके चैनल तक आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वॉल्यूम तक नहीं, मगर जब आप कोशिश करेंगे आज नहीं तो कल उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ब्रेन उसको सीखना शुरू करेगा। ब्रेन के पास ऑप्शन ही वही है कि उसको बस उसी हाथ को चलाना है, अभी ऑप्शन था दूसरा, अब हमने वो बंद कर दी, अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि जो उसका पैरालिसिस वाला हाथ है, जब तक उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करेगा तब तक वो अपने काम नहीं कर पाएगा, अपना मोबाइल नहीं चला पाएगा, अपना टीवी रिमोट नहीं चला पाएगा, कपड़े नहीं पहन पाएगा, तो उसको दिक्कत होनी शुरू होगी। और जब दिमाग को दिक्कत होती है तो हमेशा वो रास्ते निकालता है, एक तरह जब बंद कर दो तो दूसरा दर्जा खुल जाता है, वही यहाँ पर सेम हम कर रहे हैं कि यहाँ पे दर्जा हम खुद बंद कर रहे हैं, एक बार हमने दर्जा बंद किया तो सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और पेशेंट के हाथ के अंदर ही इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट के हाथ में जैसी इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी, पेशेंट की माइंड उसको डेवलप करना शुरू करेगा और पेशेंट की हाथ दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, फिर दोनों हाथ से काम कर सकता है, पेशेंट प्रॉपर तरीके से चल सकता है। तो ये जो थेरेपी है कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी, इसका यूज सभी के सभी साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट करेंगे जिनके हाथ में इंप्रूवमेंट लग रहा है कि स्लो हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, उसका ये यूज करेंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो इस चीज़ को फॉलो ना करें, क्योंकि आपको दोनों हाथ से बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। जब आप ज़्यादा चल रहे हो तो इसका यूज ना करें, तब अपने दोनों हाथों को खोल के रखें, क्योंकि अगर आप गिरेंगे तो कम से कम अपने सही हाथ से अपने को बचा पाएंगे, वो बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। ये जब भी आप करें थेरेपी करें तो आप बैठ के इसको जरूर करने की कोशिश करें, रिमोट चलाना, टीवी अपना फोन चलाना, खाना खाना, ये सारे काम जो आप बैठ के करते हैं वो सारा का सारा आपने अपने हाथ को बांध के करना है। मगर जब आप चलने की एक्सरसाइज करें तो कभी भी इन चीज़ों का यूज ना करें, क्योंकि अगर मालूम पैर में कोई ठोकर लगती है, पेशेंट गिरने की होता है और आपका हाथ बंधा होगा तो अपने फेस को बचा नहीं पाएगा। तो आपने ये जो थेरेपी करनी है बैठ के करनी है। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें पेशेंट चेस खेल सकता है अगर उसकी थोड़ी बहुत ग्रिप है, या फिर वो कार्ड्स खेल सकता है, अपने ताश खेल सकता है, या फिर कोई ऐसी गेम अपनी फैमिली मेंबर के साथ खेल सकता है, कैरम खेलने की कोशिश कर सकता है, सैगा चलाने की कोशिश कर सकता है, ऐसी गेम जहाँ पर उसका हाथ यूज़ हो उसका वो उसने यूज़ करना है। तो आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पैरालिसिस ट्रीटमेंट के बारे में, कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी के बारे में, कि कैसे साइंस इंजीनियरिंग इतनी अच्छे चेंजेस लेकर आता है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, पैरों के अंदर, हाथ के अंदर, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे हम चेंजेस लेकर आते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस ट्रीटमेंट के बारे में, कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी के बारे में, कि कैसे हम हाथ के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, हाथ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं दूसरे हाथ को, सही हाथ को बांधकर, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग की डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे हम पैरालिसिस पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं, आप हमारी साइट scienceinjeevani.com पर जाकर, एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें आपने नाम, एज, जेंडर,
कितने टाइम से आपको पैरालिसिस की दिक्कत है, किस साइड दिक्कत है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन हैमरेज हुआ था, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट होती है, आपका सीटी स्कैन हो, अगर आपकी कोई ब्लड रिपोर्ट हो तो वो भी आप हमें उसमें अटैच करके भेज सकते हैं। एक बार डॉक्टर उसको रिपोर्ट को देख लेता है तो आपकी बीमारी को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है, जब उसे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है तो आपको वो बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पैरालिसिस को पैटर्न तक कैसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प की होगी कि कैसे हम हाथ के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं अपने दूसरे हाथ को बांधकर। इसी के साथ मुझे चलने की आगे दीजिए। धन्यवाद।